हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नवंबर मंथ की रीडिंग है आपके लव लाइफ के लिए फर्दर मैसेजेस के हवाले से, और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे अपने मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप नए मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। ओके स्कॉर्पियोज, सिक्स ऑफ वॉन्ड आपके लिए पहला कार्ड है और आपको कुछ रिकॉग्नाइज हुआ है इस वक्त में अपने पार्टनर के हवाले से, या फिर आपको बहुत कोई विक्ट्री मिली है आपके काम के हवाले से। आपने कोई प्रोजेक्ट किया था पहले तो वो कामयाब हुआ है और आपको उसमें विक्ट्री मिली है। कोई भी आपका काम है, आपके चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है विक्ट्री मिली है। आपने कुछ अर्से से आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो ये अचीवमेंट का वक्त हो सकता है इस मंथ में, या अपने लव लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपने पार्टनर के साथ तो ये उसके अचीवमेंट हो सकती है। आपकी लव लाइफ में भी हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन को बहुत अर्से से चाह रहे थे कि प्रपोज करना और वो मान नहीं रहा था, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है तो वो मान सकता है। या अगर आप अपने किसी पर्सन के या फिर आपको एक फीलिंग रिकॉग्नाइज हुई है किसी के हवाले से, कोई फीलिंग किसी के हवाले से कोई फीलिंग आपको रिकॉग्नाइज हुई है। पहले आप दोस्त थे, अब आपको अब लव फीलिंग महसूस हो सकती है उस पर्सन के साथ, या फिर ये कोई सक्सेस है किसी हवाले से लव लाइफ में हो सकती है। हाई प्रीस्टेस, आपको डिवाइनली डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस मिली है और डिवाइन की तरफ से आपको कुछ कुछ रियलाइजेशन मिली है इस आपकी लव लाइफ के हवाले से। कुछ नया आपको महसूस हो रहा है अपनी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, चाहे वो जो भी पर्सन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, ये जब मैं शफल कर रही थी तो ये दो टू टाइम्स ये क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो नीचे गिरा और ये आपके लिए मैसेज है, और इस बार भी ये नीचे गिरा। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके लिए एक मैसेज है स्कॉर्पियोज। आप हो सकते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में हो, इसके हवाले से आपको कुछ रिकॉग्नाइज हो रहा हो इस पर्सन के हवाले से, और ये पर्सन आपकी लाइफ में शायद वापस आ रहा है, विक्टोरियसली वापस आ रहा है ये पर्सन, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड है या बहुत ज़्यादा डिवाइन पर्सनैलिटी है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, कोई भी हो सकता है आपके अराउंड में, कोई भी एक पर्सन हो सकता है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अनदर कार्ड फॉर ऑफ वॉन्ड्स। तो आप डेफिनेटली किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, इजीली सैजिटेरियस, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, और बट यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्शन में रख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन इतना सक्सेसफुल हो, इतना विक्टोरियस हो रहा हो, लेकिन आप उससे उसकी पर्सनालिटी से थोड़ा डब रहे हैं और आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रख रहे हैं। उसका एक्शन उस पर्सन का इतना ज़्यादा है कि आप कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहे। आपने यही बेहतर समझा कि आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पर रखें। इसके अलावा ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रेट्स भी हो सकते हैं। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं अपने लिए, लेकिन एक्शंस आप इस तरह ले रहे हैं डिफेंस साइड पे अपने आप को रखकर, अपने आप को सेफ साइड पे रखकर आप एक्शंस ले रहे हैं, और इस बार आपको डिवाइन की तरफ से भी हेल्प और प्रोटेक्शन है स्कॉर्पियोज। एट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप अगर ये एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपकी लाइफ में है, कोई एक पर्सन आप किसी पर्सन के हवाले से कोई रिकॉग्नाइज करें, कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी है, आप उस पर्सन के लिए लव फील करें, आपको रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त कि आपको आपकी जो फीलिंग्स है उस पर्सन के लिए वो लव पर बेस करती हैं, तो आप जो है उस पर्सन को से अपने आप को उस पर्सन की पर्सनालिटी से, या तो अगर आप उस पर्सन के पास नहीं जा सकते, उसको प्रपोज नहीं कर सकते, उसके साथ आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपको ऐसा लगता है अगर ये नया पर्सन है कोई, तो आप जो है अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करें और इमोशनली आप ड्रेन हो रहे हैं, डिटैचमेंट रख रहे हैं, इमोशनली डिटैचमेंट रख रहे हैं उस पर्सन से,
या अगर ये आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो आपको उस पर्सन के लिए एक नई रिकॉग्निशन हो रही है आपकी लाइफ में, और आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उस पर्सन से सेफ साइड पे रहे, और हो सकता है आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए आप उस पर्सन से थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड हैं, या आपको उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी बात पता चली है जो कि आपको इमोशनली डिटैच होने पर मजबूर कर रही है उस पर्सन से, ये बन नहीं पा रहा। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फायरी हो रहे हैं, आप या तो आप बहुत ज़्यादा गम हो गुस्से में, आपको कुछ ऐसी बात आपके पार्टनर के हवाले से पता चली, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऐसी बात आपको पता चली आपके पार्टनर के हवाले से, गाइडेंस मिली है जिसके बाद आपको अपने आप को सेफ साइड पे रखना पड़े। आपको उस पर्सन के बारे में ये पता चले कि वो प्लेयर है, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे रख रहे हैं और आप उस पर्सन से इमोशंसली अपने अटैच नहीं कर रहे, और इमोशनली भी ड्रेन हो सकते हैं आप, या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहा है अपने लिए, और कुछ ऐसे स्टैंड उस पर्सन ने लिए हैं जिसमें आपको आप पे भी उसने काउंटर अटैक किया और आपने अपने आप को सेफ साइड पे रखा है, और इस वक्त आप लोगों की इमोशनल डिटैचमेंट चल रही है। ये टाइम कुछ अरसा चल सकता है, 8 दिन भी चल सकता है, 8 महीने भी चल सकता है, 8 घंटे भी चल सकता है अगर नया नया ब्रेकअप है। आपको रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या है? डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपको जो भी रिकॉग्नाइज हुआ है, आपको लगा है कि वो पर्सन आपको आपको जो भी रियलाइज हुआ है, जो भी रिकॉग्नाइज हुआ है उस पर्सन के हवाले से, आपको लगा कि वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, प्लेयर है जैसे कि मैंने कहा, तो आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रख रहे हैं। आप उसे काउंटर अटैक नहीं करना चाह रहे, उसे फाइट बैक नहीं करना चाह रहे, आप जस्ट इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं उस पर्सन से, इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आप अपने लाइफ को, अपने आप को अपने अपने आप को पहले प्यार, अपने आप से पहले प्यार शो करें, तो आप कोई ना वॉन की ट्रेट में आ रहे हैं, आप अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जो फायरी एलिमेंट होता है उसमें ईगो होती है, तो आप अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो अपनी अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दें, तो आप जो है रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या तो उसी पर्सन के लिए जो कि आपको डिसेप्शन जो कि डिसेप्शन की एनर्जी है जिस पर्सन के साथ, जो कि आपको धोखा दे रहा है, जो कि प्लेयर है, तो अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है और आपको डिवाइन की तरफ से ये रियलाइजेशन हुई है, खुदा की तरफ से आपको मदद हासिल हुई है कि उस पर्सन से, आपके गट्स आपको कह रहे हैं कि इस पर्सन से आपको दूर रहना चाहिए, इस पर्सन से आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन डिसेप्शन में हो आ सकता है, ये रिलेशनशिप डिसेप्शन में जा सकता है। एक और मैसेज लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। तो आपने अपने आप को सेपरेट ही कर लिया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने से सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है, और अगर हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर यहाँ पे कोई पेरेंट्स से पेरेंट का इशू है, फैमिली इशू है, तो आप उसको पहले रिजॉल्व करना होगा, या फिर आपने अगर आपने फैमिली को नाराज़ किया था उस पर्सन की वजह से और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने गलत किया, तो आप इस पर्सन से पहली फुर्सत में डिटैच हो जाएं और आप अपनी फैमिली को के जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें, तो जाके आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आ सकती है। स्कॉर्पियो, ये थी आपकी एनर्जीज, अगर ये आपसे रेजोनेट करें तो मुझे आप कमेंट में बताएं, लाइक मी वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।